गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? भाई वो सब बढ़िया ही होंगे। आज अपना लेग का वर्कआउट आ गए हम 6:26 पे और निकले थे 6:24 पे। 2 मिनट में मात्र पहुंचा दिया मैंने। आयुष भाई उठे नहीं है, सो के लेट उठे हैं। अभी कॉल आई तो मैंने कहा अनु भाई भी पता नहीं कुछ घर का काम, बोला तू जा मैं आ रहा हूँ। मैं दीदी के साथ आ गया हूँ और अनु भाई साथ में आएंगे। दीदी आ गई है फिर। कल भांग की नशा चढ़ा? नहीं नहीं चढ़ा, मुझे तो आ गई नींद। बाद में आप चलेगा, वही जो मनोज खड़ा था सामने बैठ रही थी उससे मैंने पी 3 गिलास पी गया था। वही तो थी जो भांग थी, वो तो ऐसे प्रसाद था तभी तो। हाँ वो प्रसाद था क्या, बट नींद आ गई थी मुझे। मैं एडिटिंग कुछ करा ही नहीं, मैं सो गया ऐसे ही। और कल रात में वहाँ के मतलब शाम को ही वो गया था जो रील डाली मैंने, वो जिम वाली, वो मैंने चलते चलते स्कूटी पे एडिट करी। मैंने कहा मिस नहीं होनी चाहिए, टाइम पे आनी चाहिए। मैं ये बोल रहा था, मैंने कहा 2 बजे फोन करने वाला था, मुझे लग रहा है ये सो गया। अरे मैंने ब्लॉग में यही कहा, मैंने किसना ये 2 बजे का कह के गए हैं, अभी तक आए नहीं है, खुद ने कॉल नहीं करी। मैंने तुम्हें बताया सर दर्द था, मेरा सर दर्द बहुत एग्रीवेट हो गया था कल। तो मैं इंतजार करते रहा, मैं आपके चक्कर में अभी नहीं लाया, पूछ के आ गया था उसी टाइम आपके सामने। अब नहीं रखा जाएगा भाई, भाई देखिए कहाँ बैठा है, देखना। और पता नहीं कुछ क्या करना चाह रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। क्यों ठीक हो? हाँ क्या हुआ भाई? ये अपना मैच चल रहा है इंग्लैंड की, वो हालत खराब कर दी इंग्लैंड वालों की तो। अरे कुछ क्या कर रहा हो, इसे पता नहीं क्या मिल रहा, देखना ये स्वेटर खींच रहा मेरा। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बैठता नहीं भाई मेरे पे। दीदी को ही सबसे ज्यादा प्यार करता है क्योंकि दीदी से ही खिलाती हैं, सब करती हैं, बट ये मेरे पास पता नहीं इतनी देर कैसे टिका हुआ है। देखो 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 क्या कर रहा, देखो। हाँ क्या हुआ बोलो ना। ओम फो देखो देखो। और भाई अपने आ गए घर पे जिम से। हाँ भाई अपने क्या कहते हैं सेकंड मील ले लिए। फर्स्ट मील में तो वही जिम से आने के बाद अपना वही शेक पिया, सेकंड मील में दलिया अपना खा लिया, पी लिया खा लिया जो समझो। और बस अपने अब 12 बज गया है, अब अपने थोड़ी देर का खाना ही बन रहा होगा तो वेट करेंगे, वरना वही सो जाएंगे आधे घंटे, फिर रेस्ट मिल नहीं रहा है। आज दिन में सो जाऊंगा मैं थोड़ा सा, है ना। बाकी अपना मैच भी चल रहा है, मैच अब लंच होके आ गया है और 5 प्लेयर आउट हो गए हैं इंग्लैंड के। अभी तो इंडिया ही मतलब स्ट्रॉन्ग उसमें है, बाकी देखो क्या होता है। मैच तो कभी बैठ जाता आपको पता ही है। ये करना क्या चाह रहा है, क्यों क्या है? देखो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोग मतलब कैसे मैनेज करते होंगे। मैं देखो अभी इंस्टा के 2 पेज संभाल रहा हूँ, ठीक है अपने, और एक ब्लॉगिंग शेयर पेज की तो कोई बात नहीं भाई। देखो कुछ करना पड़ेगा तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये मत सोचना कि मैं वो दिखा रहा हूँ, नहीं मतलब बता रहा हूँ मैं, पूरी बात सुनना। तो मतलब याद रखना भाई, कभी कभी मिस हो जाता मेरा टाइम, वैसे 12:12 पे ब्लॉग डालना, पर लेट हो जाता हूँ याद नहीं रहता। तो मतलब ये सोच रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंसान को भाई, अपना टाइमिंग याद रखना पड़ता। मुझे भी भाई इधर उधर हो जाता है जब मैं बाहर होता हूँ, जैसे घर पर होता हूँ, घर पर भी होता हूँ तो भी भाई मिस हो ही जाता है, सच बता रहा हूँ मिस हो जाता है। फिर एकदम भाई याद आता अरे ब्लॉग डालना था, और भाई देखता हूँ आके टाइम तो अरे मैंने शिट। तो भाई 3 चीज़ें मतलब, 2 अपनी रील डालता हूँ जो 2 अकाउंट है मेरे, उस पर टाइम है मेरा तो उस टाइम पे याद रखनी पड़ती है। ब्लॉग का टाइम तो बड़ा इधर से उधर हो जाता है। यार भाई अपना यहाँ चल रहा ब्लॉग कल का शिवरात्रि का, भाई कल पैर रखने की जगह नहीं थी, सही बता रहा हूँ मजाक से हट के। मंदिर मतलब जो कहते नहीं है कि भगवान आपको बुला रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा, तो वही सीन हुआ। कल एक मंदिर गए थे जिसमें मैं कभी गया नहीं, बरेली में ओके, बट कल वहाँ जाना पड़ा बताऊँ। अब लोग नेगेटिव ले जाए तो ले जाए, मतलब अपनी भी थिंक होती है, तो हमने ये चीज़ डिसाइड करी कि पॉजिटिव लो ना, कि भोलेनाथ ने बुलाया है। अगर ऐसा नहीं मंदिर भाई, देखो मंदिर होता है ये तो आपको पता ही है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम कभी गए नहीं और शिवरात्रि वाले दिन उस दिन गए, मतलब कल गए मंदिर उसमें, ये भोलेनाथ की
बुलाने की वही तो है भाई। अपने अब खाना देखो बंदा नहीं बंदा, बाकी अपना ब्लॉग चल रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। ठीक है, मैं उठ गया भाई, नींद आ गई थी बहुत है, और सही बताऊँ फीवर भी आ गया था, आगे गया था, अभी भी है, ठंड सी लग रही है बहुत भाई, उठने का मन नहीं कर रहा। बट ऐसा है, वो मैंने आपको दिखाया था शॉपिंग की हुई ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो उस टाइम पर्दे लेके नहीं आए थे, तो सेलेक्ट कर आए थे, अब पेमेंट करने जा रहे हैं, और भाई एक मम्मी को दूसरा ही पसंद आया है, तो आपको जो फाइनल होगा वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। और बाकी भाई खाना खुना खा लिया, थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया, बहुत फीवर सा, मतलब बहुत ही थकान विकट वाली, पता नहीं क्या हुआ, जो भी है खैर अभी तो नॉर्मल है पहले से। चलो मैं चलता हूँ, स्कूटी निकाल लूँ फिर जा रहा हूँ। जी गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैंने ये वाला पसंद करा था, मतलब घर ने, दीदी ने, मम्मी ने, ये पड़ा था, मतलब सब पड़ रहा था 5000 का, और अब पसंद करा ये वाला, तो बताना आप लोग को कैसा लग रहा है। ये पड़ा है 14 बताए थे, 13 में डन। हाँ जी गाइस, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप देख भी आओगे मेरे फेस से भी और आवाज़ से भी, खाना भी नहीं खाया, खाई नहीं मिल रहा था, तो आज ब्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं करा, पुरानी क्लिप्स पड़ी हैं तो मैं शायद वही डाल दूंगा अगर ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज मैं गया ही नहीं कहीं भी, अन्नू की कॉल आई थी, मैंने उससे मना कर दी, बस एक शाम को थोड़ा सही हुआ था तो बस चला गया था मैं वही रुपए देने वहाँ पर, और बस वो फाइनल करने। तो इस ब्लॉग को बस यहीं एंड करते हैं, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, बाकी ब्लॉग एडिट अब सुबह ही करूँगा, नींद आ रही बहुत, आँखें नहीं खुल रही, सर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। ठीक है गाइस।